और सुमित आपसे पूछना चाहेंगे आपका फेवरेट कबूतर कौन सा है, जी मैं आप देखा थोड़ा था। शौक कराएंगे तो अच्छा लगेगा। तो इसको मैं टाइगर टाइगर बोल के बुलाता है, इसको एक्चुअली टाइगर ब्रीड का कबूतर है। अच्छा, तो इसका पहले दुम देख लीजिए फ्रेंड्स, ये शौक कीजिए, ये आंध्र प्रदेश में टाइगर ब्रीड नाम से जो मशहूर है वो कबूतर ये है, जिसका इसका दुम देख पूछ, लीजिए। जिसका पूछ देखिए, बिल्कुल एक पत्ती वाला पूछ है। और सुमिता तो इसका पहले इसका इसके बारे में कुछ बताइए। काट हुआ है इसका। अच्छा, ये ऑब्वियसली ये तो ब्रीडिंग पेयर है, आप तो काट करके इसका ही रखना तीन चाहिए। पर पूरा एक साथ रहता है, ये जो अभी है ना ये छोटा है, नया पर निकल रहा है। अच्छा, तो इसीलिए ये छोटा है, इधर भी सेम ही है। बिल्कुल, तो नहीं तो तीन पर पूरा एक ही साथ रहता है इसका। अच्छा, और एक चीज़ सुमिता, इसका इसका बारे में आप कुछ बोलिए, मतलब इसका बच्चा बच्चा कितना उड़ा है, कैसा उड़ा है? इसका बच्चा मेरे घर में बहुत ही अच्छा उड़ता है, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट करता है इसका बच्चा। अच्छा, ये कबूतर आपके पास कितने साल से है? ये प्राय 6 साल से है मेरे घर में। अच्छा, 6 साल से है। हाँ, 6 साल से है। अच्छा। तो जब लेकर आया था इसका इधर एक ट्यूमर ऐसे बड़ा था। अच्छा, तो इसका ऑपरेशन करने के बाद ही ये पूरा सही तरह से ठीक हुआ। अच्छा, तो इसका पंजा भी साफ कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सूखा पंजा है और जमरीली पंजा कहते हैं ना, जमरीली पंजा है इसका। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है, बहुत अच्छा कबूतर, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा ये तो एकदम मेरा पूरा हाथ का ऊपर ही रहता है कबूतर। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा लग रहा है आपको? ठीक है, खेलता भी बहुत अच्छा खेलते हैं मेरे से। अच्छा अच्छा अच्छा, खेलता भी है? हाँ। अच्छा अच्छा, इधर ही बैठे बैठे काटते हैं। अच्छा, मेरे को लग रहा है कि ये आंध्रा कबूतर जो है ये बहुत शांत है, मतलब ज़्यादा उछाल पन नहीं करता है ये, फिर हाथ में ही रह रहा है, देखिए कैसा। तो मेरा दूसरा कबूतर ये है, आप दूसरा कबूतर दिखाइए। इसका दुम थोड़ा खुला हुआ है। अच्छा, क्योंकि अभी पूंछ काटा हुआ है बोल के ठीक से देख नहीं पा रहे आप। अच्छा, तो ये खुला हुआ है। अच्छा, इसका भी ये तीन पार पूरा एक साथ ही रहता है। अच्छा, अभी निकल गया, नया पार आएगा। अच्छा अच्छा, हम्म, अभी मॉडलिंग का ये लालचरा। हाँ, ये लालचरा है क्योंकि अभी मैं प्यार डाला नहीं हूँ। इसका पंजा का साफ कर लीजिए पहले। वाह वंडरफुल, ये पूरा एकदम जमरीली पंजा है। बिल्कुल जमरीली है। तो इसका आँख का साफ कर लीजिए। वाकई खूबसूरत एक आँख है कबूतर का, और जो लुकअप जो है कबूतर का बहुत ही प्यारा लगा मेरे को, बहुत ही प्यारा कबूतर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको बंदू ब्रीड बोलता है, मैं तो इसका। अच्छा, ये बंदू ब्रीड से है? हाँ, बंदू ब्रीड से है। तो ये भी मेरे साथ बहुत ही अच्छे खेलता है। अच्छा अच्छा, हम इसका एक लुक आपको दिखा देते हैं, स्टैंडिंग कैसा है वो भी दिखा देते हैं आपको, बहुत ही बढ़िया। सुमित, नेक्स्ट कबूतर दिखाइए आपका जो फेवरेट है। ये भी एक मेरा फेवरेट कबूतर है, ये भी बहुत दिन से है मेरे पास, ये भी शायद 6 साल के 6 साल के आसपास है। अच्छा, ये कलंका कबूतर है। अच्छा, इसका जो फीमेल था वो मर गया मेरे घर में। अच्छा, ये मेल है अभी, इसका बच्चा है। अच्छा, 6 साल से है आपके पास? 6 साल से है। अच्छा अच्छा, तो इसका आँख का साफ कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन, पूरा एकदम पंजा दिखाइए। पंजा, पंजा का भी साफ कीजिए, सूखा पंजा है इसका, एकदम जमरीली पंजा नहीं है लेकिन सूखा है पूरा पंजा। ये उधर भी उड़ा हुआ कबूतर है। अच्छा अच्छा, आप उधर उड़ान देख के लेके आए थे? नहीं नहीं नहीं, वो इसका बच्चा उधर उड़े थे तो अब मैं बड़ा जोड़ा लेके आया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट कबूतर दिखाइए आपका। तो इसका भी ऐसे साफ कर लीजिए और एक बार देखिए फ्रेंड्स, इसका जो स्टैंडिंग है वो आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा है कबूतर। ठीक है, आप नेक्स्ट कबूतर दिखाइए आपका। ये कपल डोरी बोलते हैं इसको आंध्रा में। अच्छा, ये आंध्रा का कपल डोरी है, देख रहे हैं दोस्तों, इसका दुम बांध है। अच्छा, तो इसका भी पार जल चुका है, नहीं तो इसका भी तीनों पार एक ही साथ था। हाँ हाँ, पूरा सेम ही था। बिल्कुल, थोड़ा नौवां पार थोड़ा बड़ा था इसका। अच्छा, और दसवीं पार आठ पार पूरा सेम था। अच्छा अच्छा, तो पहले इसका पंजा का साफ कर लीजिए। इसका भी जमरीली पंजा है, सूखा पंजा है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसका आँख का भी साफ कर लीजिए।
आँख बहुत शाइनी लग रहा है मेरे को, बहुत ही शाइनी आँख का है, मतलब इसका नज़र बहुत अच्छा है, नज़र मतलब बहुत अच्छा है। इसका बच्चा भी है, मैं हाँ इसका बच्चा भी है, मैं अभी उड़ा रहा हूँ उसका बच्चा। अच्छा, तो एक कली का बच्चा, ये 6 घंटा 7 घंटा उड़ रहा है, मैं देखा था आपको बच्चा भी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये कबूतर भी साफ कर लीजिए, ये भी ऐसे काटता है मेरा हाथ में। अच्छा अच्छा ठीक है, दूसरा कबूतर दिखाइए। और इसको क्या बोलते हैं समीर भाई, ये जो आंध्रा स्टाइल का ये एक जाल, मैंने आंध्रा का बहुत सारे आंध्रा में पूरा आदमी बनाता है, मैं भी ऐसे लेके आया बनाया इधर ही। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इधर ही सेटिंग करने के लिए बच्चा इधर ही डाल देता हूँ। अच्छा, सेटिंग हो जाता है मेरा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ही बैठता है कबूतर आके? नहीं नहीं, मेरा ये जाल के ऊपर बैठते हैं आके। अच्छा अच्छा, ये देखिए रैंडमली ये समीर भाई का एक लॉब दिखा देते हैं, तो कुछ कबूतर इसके ऊपर आके भी बैठते हैं, कुछ कबूतर इधर ही आके बैठते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये देखिए और एक चीज़ दोस्तों आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो है आप खाना क्या क्या देते हैं समीर भाई? मैं खाना तो पूरा मिक्स देता हूँ, ये जो रागी है मैं भिगा के रखता हूँ। अच्छा, रागी भिगाने का मतलब क्या है? मतलब ये देखिए फ्रेंड्स, ये रागी है, ये रागी ये भिगा के रखा है, तो समीर भाई इसके बारे में कुछ बताइए। तो शाम को खिलाता हूँ, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा फाइबर मिलता है। अच्छा, और बहुत ही अच्छा फूड है, तो मैं इसको 12 महीने देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं उधर से ही कलेक्ट करके लेकर आता हूँ रागी। अच्छा अच्छा, उधर का रागी है? हाँ हाँ, ये आंध्र प्रदेश का रागी है, मैं उधर से ही कलेक्ट करके। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ रागी कैसा है उधर का, मैं बस्ता बस्ता दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए फ्रेंड्स ये रागी है, ठीक है। और भी कुछ कबूतर है यहाँ पे? हाँ दिखाऊंगा, ये मेरा रेगदर कबूतर है, इसका दुम खुला हुआ है। अच्छा, थोड़ा खुला हुआ है, 2 पर 3 पर का है दुम। ये देख के मेरे को बहुत डेंजर लग रहा है कबूतर, बहुत। इसका पंजा का साफ कर लीजिए, बिल्कुल जमरीली पंजा है, जमरीली है और सूखा भी है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका आँख का भी साफ कर लीजिए। हाँ, आँख के अंदर बहुत सारे रिंग भी है, और एक स्काई कलर भी है, आसमानी कलर जिसको बोलते हैं, वो भी है आँख के अंदर। और देखने के लिए बहुत ही पुराना ब्रीड है आंध्र प्रदेश में। आपके पास कितने साल से है ये कबूतर? अभी ये नया है, ज्यादा पुराना नहीं है, ये 2 साल के आसपास से है। अच्छा, आप कलेक्ट करके लेके आए? कलेक्ट करके लेके आए। अच्छा अच्छा, इसका बच्चा बच्चा है? इसके बच्चा तो अभी एक मेरे पास है, एक ही बच्चा है। अच्छा, 2 बच्चा था, एक बच्चा मर गया, अभी एक बच्चा है। अच्छा, तो इसका बच्चा अभी मेरे घर में उड़े, अभी वो बच्चा भी आपको साफ कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टैंडिंग देख लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कबूतर है। ठीक है दोस्तों, और भी कबूतर दिखाते हैं, बहुत सारे हैं, हम और ज़्यादा टाइम दिखा नहीं पाएंगे। घर का घर में पूरा दिखाऊंगा तो रात हो जाएगा। हाँ हाँ, वही बात है, हम इसीलिए बहुत शॉर्टली कर रहे हैं, हर कबूतर ठीक से दिखा नहीं पाएंगे आपको। ये मुक्सिना कबूतर है, मुक्सी बोलता है उसका, उधर मुक्सिना बोलता है। अच्छा, इसको मुक्सी बोलते हैं। देखिए, अच्छा थोड़ा खुला हुआ है दुम इसका, इसका पंजा का भी साफ कर लीजिए, सूखा पंजा है एकदम। अच्छा हाँ, सूखा तो दिख रहा है मेरे को। इसका रिजल्ट बताइए। ये तो उधर टूर्नामेंट में बच्चा था। अच्छा। टूर्नामेंट में उड़ा था तो लेके आया, इसका माँ बाप भी लेके आया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका माँ बाप भी मेरे पास है। अच्छा, तो एक मेरे घर में मादी है बोल के, तो ये नार को लेके आया मैं। अच्छा, मेरा घर में वो मादी उड़ा था, तो इसी नार को जोड़ा लगाने के लेके आया था, जोड़ा भी लगाया, बच्चा भी निकला, तो कलसरा बच्चे आया। अच्छा, कलसरा आया, कलसरा बच्चे आया। अच्छा अच्छा, और एक बार दिखा देते हैं आपको आँख, आँख देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। और ये भी देख लीजिए नाखून, कबूतर का स्टार्टिंग देखिए, बहुत ही अच्छा कबूतर है। और भी कबूतर है यहाँ पे, वो सब भी आपको दिखाएंगे। और एक दिखाइए, ये भी बोंदू लाइन बोलता है इसको। अच्छा, ये बोंदू लाइन का है। ये 7 पर 8 पर का बच्चा लेके आया था मैं। अच्छा, वो मेरे घर में उड़ा हुआ कबूतर है। अच्छा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ये मीडियम ताव से उड़ते हैं। अच्छा अच्छा, तो ज़्यादा लॉन्ग चला जाता है ये। अच्छा, कितने घंटा आप उड़ाया इस कबूतर को? ये तो मैं 6-7 घंटा 8 घंटा ऐसे इजीली उड़ा लिया नॉर्मल में, गर्मी के टाइम में। गर्मी का टाइम पे? हाँ। अच्छा, इसका अभी भी पार दे दूँ तो अभी भी ये 7 घंटा 8 घंटा उड़ के आएगा। अच्छा अच्छा, अभी कुछ दिन हुआ काट किया मैंने इसका। हाँ, वही दिख रहा है मेरे को अभी, ये मॉर्निंग का टाइम है ना, कुड़ूस का टाइम है अभी, ये कुड़ूस में गिरेगा तो इधर उधर जाके बैठ जाएगा बोल के काट कर दिया। अच्छा अच्छा, ठीक किया, बहुत ही अच्छा किया आपने। और भी कबूतर? तो इसका आँख का भी साफ कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ एकदम पूरा ये वाला इसका है। और इनका, और इसका पंजा भी साफ कर लीजिए। पहले धूम दिखाइए,
दिखाता हूँ। ठीक है। पंजा एकदम सूखा हुआ पंजा है, मेरे घर में उड़ा हुआ है कबूतर। अच्छा। और इसका जो दूम है ये हर आदमी इधर पकड़ता है, इधर पकड़ने के बाद ऐसे ही बोलता है दूम बंद दूम है बंद दूम है बोलता है। अच्छा। मैं तो इधर जब भी दिखाना है इधर पकड़ के दिखाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब लग रहा है बंद पूरा। हाँ, पूछ बंद है, बिल्कुल बंद है। तो उसके साथ मादी अभी लगाया मैं, वो मादी भी दिखाऊंगा आपको। ओके ओके। ये कौन सा कबूतर है? ये जो दिखा रहा हूँ अभी पूरा नार है, इसका पंजा देखिए। अच्छा। पूरा एकदम सूखा पंजा है, जमरीली पंजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी वाइजाक का कबूतर है। वाइजाक का? हाँ, आंध्र प्रदेश में वाइजाक से है। ये बहुत ही पुराना ब्रीड का कबूतर है, इसका बच्चा मेरे घर में उड़े। अच्छा। तो इसका मादी मर गया बोल के मैं इनब्रीडिंग करके कुछ बच्चा निकाल रहा था। अच्छा। तो बच्चा अच्छा रिजल्ट निकाल रहा है बोल के तो मैं जुड़ा चेंज अच्छा, कर रहा हूँ अभी। अच्छा, अच्छा। इसका दूम कटा हुआ है अभी तो। अच्छा। थोड़ा खुला है दूम, इसका बंद नहीं है एकदम। अच्छा, अच्छा। इसका पार देखिए, चौड़ाई भी है और गोल पार बोलता है ना। हाँ, हाँ। गोल पार है इसका। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से जाके ऐसा ऐसा शेप है, राउंड के तरफ से। हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये फुलसरा का है, फुलसरा बीट मेरे पास बहुत ही है, मैं और भी दिखाऊंगा। ये कलंका है, ओ अच्छा कबूतर है। इसका बच्चा अभी उड़ रहा है, कलकत्ता में उड़ रहा है। अच्छा अच्छा। आपने दिए थे? हाँ हाँ दिए थे। वो बच्चा उड़ाया अभी, दो कली तीन कली का बच्चा, वो 8 घंटा बोल के उड़ाया बोल के बोल रहे हैं मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका पंजा का शक कर लीजिए। बिल्कुल। ये गुंटूर का है। गुंटूर का है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो इसका मादी भी है, ये पूरा एकदम बंद दुम का है। हाँ हाँ हाँ। एकदम खुलता नहीं है दुम। बिल्कुल 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 बंद है। एक पत्ती का? हाँ, एक पत्ती का ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मादी भी मैं दिखाऊंगा आपको, साफ करूंगा। इसके ऊपर तो एक बच्चा छोड़ रहा हूँ इसको। तो स्टैंडिंग बहुत अच्छा है। ठीक है, अब दूसरे कबूतर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो एक नार है, फुलसिरा नार है। हाँ, ये फुलसिरा दिख रहा है मेरे को। हाँ। इसके बारे में कुछ बताइए, ये कबूतर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। ये कबूतर अच्छा है, इसका साथ भी जोड़ा भी है, इसका मादी भी है। अच्छा। तो मैं दिखाऊंगा आपको मादी का घर, अब जब दिखाऊंगा तब दिखाऊंगा इसका। इसका पार का शक कर लीजिए। समीर भाई, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, व्यूअर्स का भी मदद लग जाएगा। अभी मॉर्निंग का टाइम चल रहा है, आप पोर देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि पोर सही तरीके से आ रहे हैं, तो इसके क्या राज है आप थोड़ा खुल के बताएंगे तो व्यूअर्स का भी कुछ हेल्प हो जाएगा। अभी जो है ना, अभी इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन देना चाहिए। अच्छा, विटामिन देना चाहिए। विटामिन देना चाहिए और कैल्शियम भी देना चाहिए। कैल्शियम भी देना चाहिए। कैल्शियम भी देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम में ऑयली फूड देना चाहिए। ऑयली फूड? ऑयली फूड देना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। जिसमें ऑयल फूड होता है वो सरसा होता है, तिल होता है, तीसी होता है। अच्छा। ब्लैक सीड होता है। अच्छा अच्छा। कुसुम दाना अच्छा होता है। पूरा एकदम ऑयली फूड देने से भी अच्छा उसका पारों का परवाइस अच्छा आएगा। अच्छा, आप देखिए फ्रेंड्स, तो पूरा एकदम ऐसे ही आएगा, स्मूथ आएगा, एकदम पतला जैसे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा एकदम पतला आएगा, बहुत ही पतला आया और बहुत बेहतरीन आया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ मेडिसिन भी है। अच्छा अच्छा। तो वो विटामिन सी पाउडर मिलता है और कुछ भी मिलता है। अच्छा, ये मैं आपको पर्सनल में बताऊंगा। अच्छा ठीक है, आपसे पूछे तो उसको बता देना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ठीक है, इसका पौरों का साफ कर लिया, इसका इसका आंखा भी साफ कर लिया। नहीं, नहीं नहीं, आँखा का शॉप नहीं हुआ, एक बार देख लेते हैं और कैसा है। पूरा एकदम डीप येलो है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली ये पैराटा देख लाम तखन, तो ये पंजा शॉप करना। हिंदी 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 में बताइए। तो इसका पंजा का साफ कीजिए। ये एकदम सूखा पंजा हुआ है, वाइट पंजा में है, वाइट में ही है पंजा, तो सूखा है एकदम। अच्छा। तो इसका आँखा भी साफ कर लीजिए। ये फुलसरा बीट से टिप्लर बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वही है। अच्छा। तो और एक भी टिप्लर कबूतर मैं साफ कराऊंगा आपको। ये शायद कलसरा टाइप का हो गया,
इसका पहले इसका पौरों का साफ कर लीजिए, चौड़ाई कितना है देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो पौर का ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल मिडिल पे है। एक चीज देख रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए ये जो है ये तिल्ली, तिल्ली बोलते हैं। हाँ, ये तिल्ली जो है, ये तिल्ली बिल्कुल मिडिल की तरफ है, और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल की तरफ ही जा रहा है। और पौर भी देखिए बहुत ही कितना चौड़ाई है। हाँ बिल्कुल चौड़ाई लग रहा है मेरे को, मतलब कबूतर बहुत अच्छा प्रोबस के लिए यही कबूतर माना जाता है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आँख का शौक तो इसका पंजा का साफ कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जमरीली पंजा है और सूखा पंजा है। अच्छा, बिल्कुल जमरीली है, बहुत ही ज्यादा जमरीली। सूखा खुश्की बोलते हैं ना। हाँ, ये खुश्की 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 भी है इसका। हाँ हाँ, ये देखिए सभी गुण है इसका अंदर, एक परफेक्ट कबूतर है ये। तो इसका आँख भी देख लीजिए। चलिए अब, बहुत ही बढ़िया। ये उड़ा हुआ है, ज़्यादा उड़ा हुआ है बल्कि, तो इसका आँख थोड़ा रेड टाइप का हो गया। हाँ हाँ हाँ, इसका पार दिया हुआ था, अभी काट किया। अच्छा, तो इसको ब्रीडिंग पे भी डाला था मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ, और एक चीज़ दिख रहा है, जो अच्छा कबूतर है उनका ये जो पौर है ना, सेकेंडरी। हाँ, जो ये भी सेकेंडरी पर भी बड़ा होना चाहिए और भी स्मूथ होना चाहिए। ये भी ओवी है, मेरे को दिखाई दे रहा है इसमें। ये जो पौर है ना, ये उड़ने में उसका वो क्या बोलता है, बैलेंस बोलता है। हाँ, बैलेंस ठीक करता है इसका। अच्छा अच्छा अच्छा। और भी एक कबूतर देखा था इधर से, और बहुत कबूतर है देखा ना, रैंडमली आपको दिखा देते कितना कबूतर यहाँ पे है। तो बहुत सारा है उस साइड में, मादी का घर भी है। ये तो मेरा एकदम सबसे फेवरेट बोलो तो पूरा फेवरेट है। अच्छा, इसका पहले एक दुम देख लीजिए, बिल्कुल बंद दुम का कबूतर। बंद दुम का है, पकड़ने ठीक से नहीं दे रहा है। तो इसका पंजा का भी साफ कर लीजिए, आँख का पहले साफ कर लीजिए। मतलब आप आंद्रा ढूंढ ढूंढ के जितना अच्छा कबूतर मिला सब लेके आ गए हैं, है ना? नहीं नहीं, ऐसे बात नहीं है। इसका पंजा का भी साफ कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये भी जामरीली है। हाँ, जामरीली पंजा है और खुश्की भी है। खुश्की भी है इसका। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कालसीरा ब्रीड का है। अच्छा, ये कालसीरा के अंदर है। हाँ, और भी कलंका है, मैं बाद में दिखाता हूँ। ठीक है। और जो कपल डोरी दिखाया ना नर, उसका एक बच्चा दिखाता हूँ मैं। ठीक है, दिखाइए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, 3-4 घंटा उड़ रहा है, 4-5 घंटा उड़ रहा है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा उड़ रहा है और वापसी भी बहुत ही अच्छा है। अच्छा, नज़र भी बहुत अच्छा है, देख सकते हो। ये जो पट्टा है अभी 3 कली का है पट्टा। 4 कली हो रहा है। 4 कली। हाँ, 4 कली आ रहा है। अच्छा अच्छा, 3 कली कंप्लीट हो गया, 4 कली में आ गया पट्टा। हाँ, 4 कली में आ गया। हाँ, तो इसका इधर जो दस्तपार है वो निकल गया। अच्छा अच्छा। तो इसका पार का पहले साफ कर लीजिए। बहुत ही चौड़े पौर का है, और इधर सेकेंडरी पौर बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो सेकेंडरी पौर जो है बिल्कुल इस तरफ है, मतलब उड़ान के लिए सही कबूतर है, बहुत अच्छा निकाला। इसका आँख का शौक कीजिए थोड़ा। जी, इसका आँख का भी पंजा का भी साफ कर लेता हूँ पहले। अभी देखिए इसका खुश्की पंजा है। अभी इतना छोटा बच्चा है फिर भी ये उड़ा हुआ है, इस गर्मी में उड़ा है बल्कि, खुश्की आ गया ऐसे आ गया। हाँ, ये तो देख के पता चल गया ये कबूतर उड़ रहा है, अभी भी उड़ रहा है। अभी उड़ रहा है, तो इसका आँख का साफ कर लीजिए। बढ़िया आँख है इसका, और हेड शेप भी बहुत अच्छा है, और गेटअप भी बहुत अच्छा है। तो इसको बाहर ही ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। देखिए खड़ान भी बहुत ज़्यादा, खड़ान वाला कबूतर है, बहुत ही ज़्यादा है। तो नर का बात छोड़ो, अभी मादी का देखो, नहीं तो रात हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मादी का एक यहाँ पे जो मादी का घर है वो भी आपको दिखाऊंगा मैं आपका। अभी बीट का बोला। हाँ, ये उसका मादी है, लालसीरा का मादी है। हाँ, अच्छा। पहले वो दूसरा मादी लगा हुआ था, अभी ये नया मादी लगाया। तो ये टूर्नामेंट में उड़ा हुआ कबूतर है। इसका पंजा का साफ कर लीजिए पहले, एकदम सूखा पंजा है। ये उधर उड़ा हुआ है, तो इसका आँख का भी साफ कर लीजिए। और इसका दुम का भी साफ कर लीजिए, थोड़ा खुला हुआ है दुम। इसका पार कटा हुआ है, जब भी लेकर आया तो मैं काट कर दिया, क्योंकि उधर उड़ने वाला कबूतर है, इधर
देने में बेकार है बोल के कट करके रख दिया। अच्छा अच्छा, इसका ब्रीडिंग में डाल दिया। ये देखिए इसका स्टडिंग देखिए, तो एक हो गया। और एक दूसरा मादी है, उसी ब्रीड का है, उसी ब्लड लाइन का है, पूरा एकदम उसी जनरेशन का है। अच्छा, तो इसका पहले इसका पंजा का साफ कर लीजिए एक बार। एकदम सूखा पंजा है, जमरीली पंजा है। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे वाला जो कबूतर है वो वाला जो पहले दिखाया वो यार ये बिल्कुल मिलजुलता है। हाँ, एक ही ब्लड लाइन का है। अच्छा, ये दोनों एक ही ब्लड लाइन का है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका आँख का भी साफ कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया। पूछ थोड़ा, पूरा एकदम डीप प्लांका बोलते हैं ना, डीप येलो है वो, पूरा डीप येलो है। अभी थोड़ा अंदर का टाइम हो रहा है बोल के ऐसे लाल लाल लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये येलो ही आ रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, तो एकदम पूरा डीप येलो है। तो इसका स्टार्टिंग भी देखिए, और एक प्लांका मादी देख लीजिए। ये मेरा घर का बहुत ही पुराना मादी है। तो अभी जो बच्चा दिखाया ना, हाँ हाँ, कपल डेडी के साथ, हाँ हाँ, उसका वो ओनर के साथ ये जुड़ा लगा हुआ था, तो तभी वो बच्चा निकला। तो इसका आँख का साफ कर लीजिए। इसका आँख का साफ कर लीजिए। ये भी प्लांका का अंदर ही है। प्लांका ही है ये, तीनों के तीन देख रहा हूँ, पूरा प्लांका है। तो इसका दुम थोड़ा खुला हुआ है। अच्छा। इसका साथ जो नार मरा हुआ लगा हुआ है ना, उसका पूरा एकदम बंद हुआ है दुम। अच्छा अच्छा। तो इसका पंजा देख लिया। हाँ, थोड़ा दिखा दीजिए। इसका चोंच देख लीजिए, ये पूरा व्हाइट का ऊपर है, इधर थोड़ा काला है। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा है। तो इसका स्टडिंग भी देख लीजिए, एक बार टाल हो गया था। अच्छा, मतलब लखन में आ गया ना। ये पायराटा আমার ঘরে বুড়া পায়রা, একটা নর দেখালাম এর আগে। এ ফুল সিরাপ এ কবুতর, इसका तीन पर एकदम पूरा सेम है, देख सकते हो आप। ये थोड़ा जल गया, नहीं तो तीन तीन एक साथ ही था एकदम। तो ये फुल सिरा बीट से ये मेरा घर में ऐसे 9-10 घंटा उड़ा। अच्छा, 10 घंटा उड़ा। हाँ, 10 घंटा उड़ा गर्मी में। गर्मी में 10 घंटा उड़ा, उसके बाद ही इसका जोड़ा लगा दिया मैं। इसका जोड़ लगा दिया था, जोड़ लगाने के बाद इसका इनब्रीडिंग से जोड़ लगाया। अच्छा, आप इनब्रीड किए थे इसका। इसका मादी मर गया बोल के, इसका मेन मम्मी जो था इसका माँ मर गया। अच्छा, तो इसके साथ दूसरा जोड़ करके मैं इसका इनब्रीडिंग निकाल रहा। अच्छा, अच्छा। तो इसका इनब्रीडिंग में इसका बच्चा अच्छा नहीं आ रहा बोल के, हाँ, फिर भी लाइन ब्रीडिंग पे जा रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उड़ाने के लिए। तो इसका आँख का साफ कर लीजिए। ये फुलसरा मादी है। दूसरा कबूतर दिखाइए। ये कलंका कबूतर, वो जो नाद दिखाया था ना उस टाइम, थोड़ा दुम खुला हुआ था। हाँ हाँ हाँ। तो ये उसका मादी है, बंद दुम का है। अच्छा अच्छा। तो इसका आग पंजा के साफ कर लीजिए पहले। एकदम सूखा पंजा है, जमरीली पंजा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका साफ कर लीजिए, पूरा एकदम ब्लैक में है। हाँ, थोड़ा व्हाइट टाइप का है, लेकिन रेड भाव बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ब्लैक के अंदर ही है। हाँ, पूरा एकदम ब्लैक के अंदर है। तो मैं इसको इधर ही छोड़ रहा हूँ स्टार्टिंग के लिए। तो ये एक जो रेगदार दिखाया था ना, लालसरा रेगदार ना दिखाया था। अच्छा, तो इसका वो मादी है। वो मादी उसका है। अच्छा, तो मादी का आँख का साफ कर लीजिए पहले। तो इसका दुम का साफ कर लीजिए, दो पत्ते में है। तो इसका पौरों का साफ कराना के लिए कुछ नहीं बचा नहीं है, जल गया अभी। अच्छा अच्छा। तो इसका स्टार्टिंग भी देख लीजिए एक बार। बहुत ही अच्छा स्टैंडिंग है।
आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक कबूतर है। सेकंड दिखाइए, ये जो लालसिरा दिखाया था ना बुंदी ब्रीड का, हाँ हाँ हाँ, पहले उसका साथ इसका जोड़ा था। अच्छा अच्छा, इसका साथ ही था तो इसका साथ बच्चा निकला, तो बच्चा अच्छे रिजल्ट कर रहा है क्योंकि ये कबूतर अभी कुड़ूस पर है। अच्छा, पर निकल रहा है, नया पर आ रहा है, तो मैं इसका पहले इसका पौरों का साफ कराऊंगा, पर नहीं अभी कटा हुआ है। अच्छा, नया पर आ रहा है पूरा के पूरा, तो एकदम ये प्योरिटी के ऊपर है कबूतर। इसका धूम खुला हुआ है। अच्छा, इसका पंजा का साफ कर लीजिए पहले। पंजा का साफ कीजिए, बड़ा साइज का पंजा है इसका और उंगली भी बहुत बड़ा है। हाँ, उंगली बड़ा बड़ा उंगली लग रहा है। हाँ, बहुत ही बड़ा उंगली है और नाखून भी बहुत बड़ा बहुत है। बड़ा है, पूरा सब में बड़ा है इसका। इस ब्रीड को क्या बोलते हैं आंध्रा में? इसको प्लांका ही बोलता है, प्लांका बोलता है। अच्छा अच्छा, तो इसका आँख देख लीजिए, हेड से भी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत ही अच्छा है। देखो इधर कुछ आदमी लोग दबा के रखता है, इसे दबा के रखता है। हाँ हाँ, मैं तो ऐसे प्लेन ही छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसे ना बिल्कुल परफेक्ट शेप आता है, मतलब कैसा शेप का है वो दिखाई पता चलता है। बिल्कुल, नहीं तो आदमी जब फोटो खींचता है वीडियो बनाता है तो ऐसे ही रख देता है। हाँ हाँ, ऐसे रखने का जरूरत नहीं है, ये पूरा एकदम ही ऐसे है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा कबूतर है। थोड़ा स्टैंडिंग दिखाएंगे इसको? हाँ हाँ, इसका स्टैंडिंग देखिए इधर। बहुत ही अच्छा है। दूसरा एक दिखाएंगे आपको और भी। एक बच्चा है, दिखा रहा हूँ, ये उसका बच्चा है, रेगदर का बच्चा। हाँ, है रेगदर का बच्चा, पिलंका में आया है। हाँ हाँ हाँ, पिलंका में आया, ये कबूतर उड़ रहा है अभी। अच्छा, तो एक दिन 8 घंटा उड़ा। अच्छा, और एक सप्ताह बाद फिर उड़ाया तो 7 घंटा उड़ा। इसका हेड शेप भी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, और इसका पार देखिए, अभी भी ये तीन कली कंप्लीट हुआ है, 4 कली का है अभी, 4 कली फेंक रहा है अभी, 3 पर कंप्लीट हो चुका है। इसका पौर देखिए, ये तीर पौर लग रहा है मेरे को। हाँ, ये तीर पौर का कबूतर है। अच्छा अच्छा, ऐसे बहुत ही अच्छे उड़ रहे हैं अभी मेरे घर में। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हाइट पे जाता है या फिर मिडिल पे? हाइट पे जाता है, मिडिल पे भी उड़ता है, दोनों करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत ही अच्छा उड़ता है और अभी भी उड़ रहा है ये कबूतर मेरे घर में। किसी भी दिन कोई चाहे तो मैं उड़ा सकता हूँ इसको। अच्छा अच्छा, समीर भाई चैलेंज कर रहा है, कोई भी देखना चाहता है तो। चैलेंज नहीं है। अच्छा, अपने उड़ाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जो मुक्सिना नर दिखाया ना। हाँ, मुक्सिनर, तो ये मादी के लिए मैं वो नर लेकर आया था। इसका पंजा का पहले साफ कर लीजिए। ये मादी मेरे घर में उड़ा है, 10 घंटा प्लस करके उड़ा हुआ है। 10 घंटा उड़ा है। अच्छा अच्छा, ऐसे ही कुछ दे बगैर ऐसे दाना पानी खिला के 10 घंटा उड़ा है। अच्छा, गर्मी में। अच्छा, गर्मी में। हाँ, तो सुबह एक दिन इसको सुबह 8 बजे 8:30 बजे छोड़ा तो नाइट बैठ गया। अच्छा, इसके साथ एक मेचिया कबूतर था। अच्छा, वो टेनाली से लेकर आया था, रामू बोल के। हाँ, वो मेचिया कबूतर। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा उड़ता था मेरे घर में। अच्छा, वो ये दोनों के साथ एक ही साथ जो 8 बजे 9 बजे कबूतर जब उड़ जाता है तो उस दिन नाइट बैठ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरे दिन सुबह आता है। और विंटर में क्या रिजल्ट रहा इस कबूतर का, मतलब विंटर में आप ये कबूतर उड़ाते हैं या फिर? नहीं नहीं, ये कबूतर तो मैं उड़ाने के लिए तैयार किया था 1 साल IPA खेलने के लिए। अच्छा, तो उस टाइम में मेरा घर में बैड लक था, वायरस भी आया था। अच्छा, और टेस्टिंग करने के लिए कुछ कबूतर भाग भी चुका है। अच्छा अच्छा, पहले नया था। हाँ हाँ, इतना कुछ मालूम नहीं था, बल्कि कुछ कबूतर भाग गया। अच्छा, शाम का टाइम उतरने का टाइम हुआ तो अंधेरा हो गया, अंधेरा छा गया, कबूतर भाग गया। अच्छा, उतर नहीं पाए। अच्छा अच्छा, ऐसे ही नॉर्मल में वो 9 घंटा 10 घंटा उड़ने वाला था। अच्छा, ऐसे बोला ऐसे डालो कुछ आदमी का बात सुन के, तो अच्छा ही फार्मूला दिया था, तो शायद मैं अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाया, बोल के मेरा ख्याल से वो मेरा ही गलत था, वो भाग गया। अच्छा अच्छा, और एक चीज़ हम देखे थे, आपका मैं फेसबुक पे देखा था, आप एक कप भी जीते थे यहाँ का लोकल शायद। हाँ हाँ, तो उसका उस टूर्नामेंट का जो कप है वो अभी माँ बाप ने अभी दिखाया। अच्छा 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 अच्छा, उसी उसका। अच्छा अच्छा, उसका माँ बाप दिखाया तो उसका बच्चा दिखाने में अभी इसका आँख का शक कर लीजिए एक बार, पूरा एकदम पीली आँख का है। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा डीप पीली आँख है। इसका हेड शेप भी देख लीजिए, मैं हाथ हटा दिया उधर से, और इसका इस कबूतर का स्टैंडिंग भी देख लीजिए।